गाड़ी को टीका लगाया कर जाएगा दोस्तों। देखिए तो दोस्तों ये देखिए मेरे बनने लग गए मच्छी के पकौड़े, तो स्कूटी में लगा दिया गया है, हमारे हाथों हाथ में भी लग गया। देखिए यहाँ पे अगरबत्ती, तो फाइनली दोस्तों हमने पूरी लारी बना दी है। यहाँ से देखिए आप ये पानी, आप देखिए बिल्कुल यहाँ जाके आगे जाके। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, मैं पवन सिंह बल्याल स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर दोस्तों हल्द्वानी में। और हल्द्वानी वाकई दोस्तों आज काफ़ी सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है क्योंकि इतना बढ़िया मौसम हो रहा है हल्द्वानी का। सबसे पहले मैं आपको मौसम ही दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए आप हल्द्वानी का मौसम, आज देखिए कितना सुहाना, आप देखिए इतना बढ़िया लग रहा है, हरा भरा खिला हुआ दोस्तों। क्योंकि हल्द्वानी में कल भी दोस्तों सुबह बारिश हुई थी और आज भी सुबह से बारिश के शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और गर्मी गायब हो गई, छुमंतर हो गई है गर्मी, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है दोस्तों आज हल्द्वानी में। और आज है संडे का दिन दोस्तों, मेरा भी ऑफिस से ऑफ है और साथ में है विश्वकर्मा, आज जिसको खदलवाई बोला जाता है पहाड़ में दोस्तों, विश्वकर्मा जयंती दोस्तों। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि विश्वकर्मा पूजा कब की जाती है और जयंती कब होती है। विश्वकर्मा जयंती दोस्तों हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है और विश्वकर्मा पूजा जो दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है दोस्तों। आज के दिन सभी लोग अपने कार्यालय, अपने औजार, अस्त्र शस्त्र और जितने ही आपके दैनिक जीवन में काम आने वाले आपके जो सामग्री होती है दोस्तों उसकी पूजा की जाती है दोस्तों। फिलहाल आज हमने भी अपने घर में जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं दोस्तों, बाइक, स्कूटी, R15 और कार दोस्तों, तो उसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद उनकी पूजा की जाएगी दोस्तों। तो देखो दोस्तों फिलहाल हमारी भी गाड़ियों की सफाई चल रही है और बिना बिल्कुल गाड़ी की सफाई में लगा हुआ है। बुलेट हमारी R15 और स्कूटी और बाहर कार की भी धुलाई चल रही है दोस्तों। थोड़ी बाद जब धुलाई जब कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों उसके बाद आपको दिखाया जाएगा और पूजा पाठ करके इसमें टीका लगाया जाएगा दोस्तों सभी में। तो ये देखिए दोस्तों अभी कार की सफाई चल रही है बिना लगा हुआ साथ में, और क्या कहते हैं बगल वालों की भी, हमारी पड़ोसियों की भी चल रही है। देखो दोस्तों सफाई आज ये भी लग गया, लग जाओ अपनी बाइक वाइक धोने में। और ये हमने अपनी गाड़ियाँ देखो बुलेट, बाइक और स्कूटी धो दी है दोस्तों, ठीक है। कार की नंबर आ चुका है, कार की सफाई चल रही है और उसके पास पूजा पाठ करके इसमें टीका लगाया जाएगा। साथ में डॉली को भी धो देंगे विश्वकर्मा आज भाई, तेरे को भी धोना है दोस्तों। एक खास मेहमान से आपको मिलाने जा रहा हूँ आज, हमारी मौसी आई हुई है डूनी से, पहाड़ से हमारे, देखिए। और 4-5 दिन हो गए इनको यहाँ, 4-5 या 10 दिन हो गए लगभग आए हुए, तो आज ही मैंने ब्लॉग बनाया, तो आज मैंने कहा ब्लॉग में दिखा लेता हूँ आपको। बिल्कुल जब से आई है बिल्कुल साफ सफाई में लगी हुई है, घरों पर साफ कर दिया इनने, ये बिल्कुल साफ सफाई में लगी हुई भी, ठीक है। और फिलहाल बारिश में थोड़ा भीगने के बाद अंदर अब मैं थोड़ा चाय पानी पीता हूँ दोस्तों, चाय बनाया हुआ है मौसी ने हमारे, तो चाय पीते हैं और उसके बाद आपसे मिलता हूँ थोड़ी ब्रेक के बाद। तो दोस्तों फाइनली पूजा पाठ भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और टीके की थाली और वो मिल चुका है मुझे, और घंटी भी ले जाऊँगा 12 घंटी। और मैं भी बिल्कुल नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, अब चलते हैं बाहर की तरफ, और लगभग सफाई भी कम्प्लीट हो गई है बाहर गाड़ियों की दोस्तों। फिलहाल अब पूजा हमारी स्टार्ट हो गई है गाड़ियों की, टीका लगाया दोस्तों, देखिए हमारी स्कूटी बाबू की स्कूटी है, और ये हमारी अब कार, ये भी हमारे घर को बहुत तो सभी में अगरबत्ती भी लगाई जा रही है दोस्तों अभी एक एक करके बिनय के द्वारा,
और विनय करेगा पूजा गाड़ियों की। तो स्कूटी में लगा दिया गया है, हमारे हाथों हाथ में भी लग गया, देखिए यहाँ पे अगरबत्ती और ब्लड में भी लग चुकी है, तो कार में लगाई जाएगी। तो दोस्तों एक बड़ी खतरनाक कहानी हो गई थी अभी, जब हमने पूजा पाठ सब करी उसके बाद देखा थी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है, उसका वाशर ख़राब हो गया। वैसे तो ट्यूबलेस है लेकिन पूरी तरह बैठ चुका था, तो हमने फिर इसका क्या कहते हैं चेंज करवाया, टायर चेंज करा दोस्तों। तो देखिए स्टेपनी वाला टायर लगाया बारिश में, जो इसका स्टेपनी टायर है वो लगाया इसमें, ठीक है। अब फिलहाल गाड़ी हम पार्किंग में डाल दे रहे हैं। तो दोस्तों आजकल बारिश की सीज़न है, बहुत जगह पानी इकट्ठा हो जा रहा है और जिससे चक्कर में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हल्द्वानी में जिस प्रकार आपने देखा भी होगा किस प्रकार डेंगू फैला हुआ है और पहाड़ों में हमारे सबको आजकल बुखार जैसा आ रहा है, तो यही है वो रीज़न, ठीक है। तो कहीं भी अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे, तो बारिश के सीज़न में देखो पानी इकट्ठा हो जाता है काफ़ी। डेंगू का जो मच्छर होता है हमेशा साफ पानी में उपजता है दोस्तों, और 3 फीट मतलब पैरों से ऊपर नहीं काट सकता आपको, 3 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ सकता है दोस्तों। और हमारे भी पीछे ये पानी इकट्ठा हो रहा था दोस्तों, ये देखिए बारिश का। तो हमने भी इसको क्या कहते हैं सफाई करके नाली पार करवा के इस पानी को करते हैं निकासी कर रहे हैं इसको निकाल के, क्योंकि यहाँ पर जमा हो जा रहा है और जमा होते बहुत दिन तक जमा रहेगा बारिश बंद भी हो जाएगी, तो जिससे डेंगू का खतरा बढ़ सकता है दोस्तों मच्छर, तो इसलिए हम इसको साफ करवा रहे हैं अंदर को, ठीक है। तो ये पहले पूरी लाइन बनाते हैं उसके बाद फावड़े से निकालेंगे मिट्टी। तो फाइनली दोस्तों हमने पूरी लाइन बना दी है, यहाँ से देखिए आप ये पानी आप देखिए बिल्कुल यहाँ जाके आगे जाके बढ़िया नाली है, समापन यहाँ होगा इसका, देखो बाहर खेतों में चले जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा सीलन से ही बचेंगे हम, देखो पीछे जो सीलन आ रही हुई है इससे ही बचेंगे, ठीक है। और डेंगू का खतरा जो मैंने आपको बताया है वो तो सबसे बड़ी बात है कि डेंगू का खतरा जिस प्रकार से फैल रहा है तो उससे ही बच जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं बिल्कुल, तो नाली वाली साफ करा के पीछे बना के, और दिखाता हूँ कितनी बढ़िया नाली बनाई हुई है हमने दोस्तों निकासी के लिए। अंदर चल देखो भाई पी चुके हैं अभी, ठीक है। तो अंदर बढ़िया एक चाय और पीते हैं गर्मा गर्म, अब जाकर थोड़ा मज़ा आएगा, हल्द्वानी का बारिश और मौसम में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो कोई मज़ा है कुछ और है दोस्तों। तो अंदर की तरफ बढ़ता हूँ। देखो दोस्तों मैं आया हूँ राहुल और हम आए हैं यहाँ पे अभी शाम को थोड़ा घूमने के लिए, थोड़ा देखते हैं पास के खाने का कुछ मूड बन रहा है हमारा। तो ये नया यहाँ पे कैफे खुला हुआ है सिटी फूड सेंटर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सिटी फूड सेंटर करके खुला हुआ है, देखते हैं यहाँ प्रेमपुर लसानी चौराहे से थोड़ा ऊपर पे है। ये शर्मा रहा है भाई, दोस्तों राहुल भाई तो कुछ खाने वाले हैं नहीं, तो मैंने अभी ऑर्डर किया चिकन चाउमीन बहुत दिन बाद, ठीक है। तो बनने वाले हैं चटपटे का ऑर्डर दे दिया मैंने चटपटे बनाने के लिए, और जो नया सिटी खुला हुआ है सिटी फास्ट फूड सेंटर देखते हैं तो किस प्रकार की सर्विस रहती है, कैसे टेस्ट आता है, पहली बार खा हुआ है, अब नया नया खुला हुआ है। ये आ चुकी है चिकन चाउमीन दोस्तों, भाई साहब मैं तो देख के हैरान हो गया, ये देख ले भाई 80 रुपये की चिकन चाउमीन है, प्लेट देखो जरा यहाँ, एक प्लेट अभी अलग से ली है मैंने। तो दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, और जो मैंने वहां चिकन चाउमीन खाई थी दोस्तों बिल्कुल बेकार, और क्वांटिटी इतनी छोटी मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। सिटी फूड रेस्टोरेंट करके जो खुला हुआ था प्रेमपुर लोसानी से ऊपर लेफ्ट साइड पर आपको पड़ जाएगा दोस्तों, मैं तो कह रहा हूँ मैं तो दोबारा उस होटल में कभी नहीं जाऊँगा, मैंने उसके मालिक से ही बोल दिया था वहीं पर कि जिस हिसाब से आप क्वान्टिटी दे रहे हो और जितना दे रहे हो, मुझे पूछ रहा था कैसा हो रहा है, तो मैंने साफ साफ बताया भैया मैं दोबारा नहीं आ पाऊँगा इस होटल में अगर ये हाल रहे तो, ठीक है। फिर मैंने रास्ते से खरीदी थी जो मछली जो आपने देखा होगा, ठीक है। अब मैं मछली के पकौड़े बना रहा हूँ दोस्तों, देखिए मैंने अभी बिल्कुल इसमें मसाला लगा दिया है, ठीक है, रख दिया है यहाँ पे, और उसके बाद पकौड़े बनाए जाएंगे, और विनय और मौसी तो पकौड़े खाने वाले हैं, विनय ने भी नॉनवेज छोड़ चुका है दोस्तों, तो फिलहाल मैं ही हूँ और एक कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ साथ में दोस्तों, खाते हैं, रोटी खाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं,
और मौसी भी बोल रही कि मैम चावल की रोटी बनाऊंगी करके, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये देखिए मेरे बनने लग गए मच्छी के पकौड़े, बिल्कुल मस्त करके मच्छी के पकौड़े बन रहे हैं दोस्तों अभी, और खाने वाला है सिर्फ एक आदमी, इतने पकौड़े और खाने वाला सिर्फ एक आदमी है देखिए। तो दोस्तों ये हो गए बन के पकौड़े तैयार हमारे, देखिए कितने बढ़िया करके बने हैं पकौड़े दोस्तों, और खाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। बढ़ गए भैया बढ़ गए, ले मौसी अबे मना कुछ नहीं हुई यार, अच्छी अरे अगर ये लेगा तो ये भी लेगा 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 जल्दी ले जल्दी ला, उसके साथ के ले ले खाली तो खाई बात बने सर, सॉरी यार आई हैव नो टाइम दिस वे ना। चलो भैया करते हैं पेट पूजा फिर काम दूजा। फिलहाल दोस्तों खाना पीना सब हो चुका है, मैंने भी बढ़िया करके मच्छी के पकौड़े खा चुके हैं दोस्तों, रोटी तो मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा पेट भर चुका है, और इस ब्लॉग को फिलहाल मैं यहीं एंड करता हूं दोस्तों। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा दोस्तों, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें। मैं पवन सिंह पल्याल आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय देवभूमि उत्तराखंड।